हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। और आज है संक्रांति। हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और संक्रांति स्पेशल में आज खाना बन रहा है खीर, पनीर की सब्जी, पूड़ी, दाल राइस, पापड़। बस यही है आज का मेन्यू। तो अभी मैं बना रही हूँ इधर राजमा की खीर। राजमा को मैंने घी में रोस्ट करके रखा है और उसको अच्छे से बारीक थोड़ा सा पीस लेंगे। देन इधर मैंने बॉयल करने के लिए रखा है मिल्क। 1 लीटर मिल्क लिया है यहाँ पर। और जब तक अच्छे से उबाल आएगा तब तक हम मिल्क को ऐसे ही चलाते रहेंगे। देन उसमें ऐड कर लेंगे जो हमने राजमा ग्राइंड करके रखा है उसको। फिर थोड़ी देर तक अच्छे से चलाते रहेंगे कंटिन्यू, ताकि वो राजमा जो है ना, पाउडर राजमा, वो नीचे चिपके नहीं। और उसके बाद फिर ऐड कर लेंगे जो काजू बादाम हमने लिए थे रोस्ट करके घी में, थोड़े से उनको ले लिया है, साथ में ऐड कर दिया है। जो हमारे सूखे खजूर है उनको भी डाल दिया है, और शुगर थोड़ा सा डाला है। आजकल हम लोग थोड़ा कम मीठा खाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शुगर थोड़ा कम लिया है। और आज मेरा मिल्क है काऊ मिल्क। काऊ मिल्क वैसे भी थोड़ा सा पतला होता है, तो खीर को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। उसको थोड़ा सा मिल्क डाल के अच्छे से पेस्ट बना के फिर उसमें ऐड करेंगे और कंटिन्यू उसको स्टिर करते जाएंगे। देन थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा, उसके बाद हम खीर को नीचे उतार लेंगे। तो ये हो गया है हमारा खीर बनके रेडी। अब बनाएंगे हम इधर पनीर की सब्जी। और आज सब्जी बना रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि मुझे उनके हाथ की सब्जी बहुत पसंद आने लगी है। लास्ट टाइम उन्होंने बनाई थी तो मुझे बहुत टेस्टी लगी थी, तो आज मैंने उन्हें सारा सामान कट करके दिया है और ये खुद बना रहे हैं इधर सब्जी। तो देखो सब्जी कैसे बनाते हैं, टेस्टी, बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है उनके हाथ से। और खीर में मैं सब कुछ डाल चुकी थी, लेकिन इलायची पाउडर डालना भूल गई थी, और इलायची पाउडर के बिना तो खीर का टेस्ट अच्छा ही नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है इलायची पाउडर। और इधर बना रही हूँ मैं पूड़ी, क्योंकि उस साइड बना रहे पतिदेव आज पनीर की सब्जी, तो मैं इधर बना रही हूँ पूड़ी। पूड़ी सारा एक साथ बेल के रख लूँगी, उसके बाद फिर मैं उधर फ्राई कर लूँगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना छोटा है ना, तो सारी चीज़ें एक साथ वहाँ पर नहीं हो पाती, इसलिए मैंने पहले से उधर बेल के रख लिया है। और फिर इधर ऑयल में जल्दी से फ्राई कर लूँगी और जल्दी काम हो जाएगा हमारा। क्या है? मैं आज इतना थूसू। क्यों थूस है? क्योंकि आज हम पहली बर्थडे की फ्रॉक लेके आएंगे। हमें लगा कि खीर बनी इसलिए तो इतना थूस हो। देखो कैसा है नाई खाना। अच्छा है मम्मा, और मैं थूस भी हुआ। अच्छा है ताना, और मैं थूच भी हूँ। मुझे खाने में मजा आ रहा है, और मुझे फ्लोर देने में खुश हो रही हूँ। खुश हो रही है? वो खुश हो रही है कि उसको आज उसके बर्थडे की फ्रॉक देखने जाना है और खाना भी बना है, मतलब उसकी फेवरेट खीर बनी है, इसलिए वो खुश हो रही है। और खाना वगैरह खा के बर्तन क्लीन करके हम लोग थोड़ी देर सो गए थे, और सोने के बाद अभी जस्ट उठी हूँ। इवनिंग होने वाला है। कपड़े मैं धो चुकी थी, लेकिन उसको निकालना बाकी रह गया था, तो अभी कपड़े निकाल के डाल दूंगी सूखने के लिए। देन हम लोग रेडी होके जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी शाम को लोहड़ी है ना नीचे, तो नीचे जाना है। और विदित एंड पापा गए हैं काइट लेने के लिए, साथ में मिल्क लाएंगे, क्योंकि आज मिल्क खीर बन गया था इसलिए मिल्क नहीं बचा था चाय के लिए। और काइट के लिए वो कल से बोल रहा था, लेकिन कल इनका ऑफिस था ना, तो कल हम लोग जा ही नहीं पाए, तो अभी ये दोनों लोग गए हैं। और इसके बाद अच्छा, अरे चलो सब लोग आ गए, हम लोग रेडी हो गए, चलो अभी दो चल रहा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। अरे हाँ, मिल्क ढकना ही भूल गई थी मैं तो।
अच्छा वो याद दिला देने तो कॉकरोच ही गिर जाते। की कहा है की ले ली बताओ दिखाओ। हाँ चलो जीरो पे एसएस कार्ड की जरूरत नहीं होती है। जीरो पे थोड़ी ना नीचे माइनस थ्री पे नहीं होती है। नहीं तो मेरे ऊपर इसे कॉम कॉम कर लिया कर बेटा चोटी बना कर अच्छी। राही रन नहीं करो किया था। अपनी वीडियो बनाया भैया ने मम्मा ने जब डांस किया था तब नहीं हम सर्कल में सब आंटी लोग कर रही थी ना हम सर्कल में थे। चलो और अभी हम लोग आ गए थे घर पर क्योंकि राही को वॉशरूम जाना था इसलिए हम लोग घर आए थे और अभी फिर से जा रहे हैं नीचे। चलो राही चलो चलो बेटा कपड़े निकालो। और बस जस्ट हम लोग अभी आए हैं और अभी व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय गुड नाइट। और अभी तक चल रहा है देखो नीचे अभी तक चल रहा है नीचे डांस आज का।